हमीरपुर से ब्रेकिंग न्यूज। सिटी फॉरेस्ट गेट के पास रखी दुकानों में चला नगर पालिका का बुलडोजर, हटवाया गया अतिक्रमण। हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट गेट में रखी हुई दुकानों पर आज नगर पालिका का चला बुलडोजर। नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा व पुलिस प्रशासन द्वारा सिटी फॉरेस्ट गेट के पास रखी हुई दुकानों को हटवाया गया, जिससे दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि सिटी फॉरेस्ट गेट के पास दुकान रखे हुए दुकानदार ने बताया कि नगर पालिका द्वारा उन्हें दुकान हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन समय के पहले ही दुकानदार अपनी दुकान हटाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन समय से पहले ही नगर पालिका कर्मचारियों व पुलिस प्रशासन ने आकर बुलडोजर के जरिए दुकानों को पीछे गड्ढे में गिरा दिया, जिससे दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सिटी फॉरेस्ट गेट के आसपास आमने सामने के अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। देखो पंखा लगा लगा है, दुकान मतलब सामान बताना चाहिए ना, एक घंटे का टाइम नहीं दिया, गलत बात है। नहीं हमको बोल रहा, हम आके खाली भी खाना में। भैया क्या समस्या हुई? राम जी दीक्षित। क्या समस्या है? समस्या ये है कि एक घंटा पहले हमको सूचना दी गई 1 बजे करीब, कल 4 बजे तक आप अपनी दुकान खाली कर लो, और पहले ही दुकान गिरा दी गई, 1.5 लाख का नुकसान हो गया। किसने गिराई दुकान? दुकान कोतवाल साहब ने। किस वजह से गिराई? किस वजह से गिराई? अब ये वही जाना है, हम नहीं जान सकते। शिवशंकर सेन। आपकी किस चीज की दुकान थी? फल कटिंग की। तो क्या हुआ? साहब आए थे तो आदेश दिया, लेकिन दुकान खाली कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है सर, खाली कर देंगे, लेकिन 4 बजे तक खाली कर दीजिए। 4 बजे के बाद में मशीन आ गई, वो अपना ढकेल के अपना नीचे फेंक दिया बस। तो आपने कहा नहीं कि हमारी दुकान में सामान है, हटाने दीजिए पहले, हम हटा तो रहे हैं। तो कहा होता, लेकिन वो लोग कोई टाइम नहीं है, जबरदस्ती मशीन चला दी जी। कितना नुकसान? जबरदस्ती का वो उनका आदेश है। तो कितना नुकसान? नुकसान तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो है काउंटर ने निकाल दिया था, गुमती गुमती का नुकसान है। हमीरपुर से अपडेट मीडिया के लिए शीलू कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।